ओके तो भाई फाइनली रोमा रेस का मैच नाइट ऑफ चैंपियंस के अंदर खत्म हो चुका है। जैसा मैंने आपको बोला था एक्जेक्टली वही एंडिंग हमें देखने को मिला इस मैच के अंदर। जे उसो जिमी उसो दोनों रोमा रेस को मदद करने आते हैं इस मैच के अंदर, पर बदले में वो रोमा रेस के ऊपर ही अटैक कर देते हैं। क्या कुछ हुआ इस पूरे मैच के अंदर आइए हम जानते हैं। उससे पहले चैनल पे पहली बार आए तो भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हां भाई सारे लोग सब्सक्राइब कर लेना, रात में 3 बजे आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। सबसे पहले मैं मैच के स्टार्टिंग में हमें रोमा रेस सोलो सिकोवा पॉल हेमन देखने को मिलते हैं, जहां हमें बहुत दिन बाद आइकॉनिक पॉल हेमन का हमें इंट्रोडक्शन देखने को मिलता है लेडीज एंड जेंटलमैन का। उसके अपोजिट साइड सैमी जेन अपना इंट्रोडक्शन खुद से देते हैं, साथ ही साथ सैमी जेन का इंट्रोडक्शन भी हो देते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग मैच का बात करें तो जिस तरह से रोमा रेंज का मैच स्लो फेस से स्टार्ट होता है उसी तरह से ये मैच भी स्लो फेस से स्टार्ट हुआ। रोमा रेंज जहां मस्त रिंग से बाहर रहते हैं, रिंग के अंदर सोलो सिकोवा फाइट कर रहे होते हैं सैमी जेन से। अप्रोक्स हमें 5 मिनट तक सोलो सिकोवा का फाइट देखने को मिला सैमी जेन और कैमिनो से, जहां ये दोनों अटैक भी कर रहे थे, कभी सोलो सिकोवा भी इनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। इस मैच का टर्निंग पॉइंट तब आता है जब कैमिनो 10 मिनट के बाद इस मैच के अंदर एंट्रेंस करते हैं। वो एंटर करते सबसे पहले रोमा रेंज को बहुत बुरी तरह से अटैक करते हैं, उसके बाद सोलो सिकोवा के ऊपर जाते हैं, उनको भी बहुत ज्यादा बुरी तरह से अटैक करते हैं। कैमिनो रिंग के बाहर जाते हैं, रिंग के बाहर भी बहुत बुरी तरह से यहाँ पर रोमा रेस को ऊपर अटैक करना कंटिन्यू रखते हैं। उसके बाद रोमा रेस को रिंग के अंदर लेकर आते हैं, रोमा रेस को ऊपर एक स्टैनर लगाते हैं। स्टैनर लगाते के साथ ही रोमा रेस का एक कमाल का स्पीयर देखने को मिलता है जो कि केविन ओवंस को लगता है। केविन ओवंस पर यहाँ पर बहुत आसानी से किक आउट कर देते हैं। उसके बाद रिंग के अंदर एंट्रेंस होता है सोलो सिकोवा का। सोलो सिकोवा यहाँ पर समोन स्पाइक लगा रहे होते हैं सैमी जेन को, पर यहाँ पर समोन स्पाइक अच्छे से लगता नहीं है। उसके काउंटर में रोमा रेस यहाँ पर स्पीयर लगाने की कोशिश करते हैं, पर यहाँ पर स्पीयर भी एक्चुअल में लगता नहीं है सैमी जेन को। वो स्पीयर सीधे जाकर यहाँ पर रेफरी को लग जाता है, और भाई आपको पता ही है रोमा रेस का हर एक मैच के अंदर रेफरी इंजर्ड होता है। आप रोमा रेस का पिछले एक साल का कोई भी मैच उठाकर देख लो, हर एक मैच के अंदर रेफरी इंजर्ड होता है भाई, इनका रेफरी बनने के लिए कोई रेडी नहीं होता। वैसे रोमा रेस यहाँ पर रेफरी को उठाने के लिए बिजी होते, तभी हमें सैमी जेन की तरफ से एक सस्ता सुपरमैन पंच भी देखने को मिलता है। तभी वहाँ रिंग के बाहर क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर केविन ओवंस अपना एंट्रेंस करते हैं, उसके बाद रोमा रेस के ऊपर बहुत बुरी तरह से अटैक करना शुरू कर देते हैं। भाई मैंने आपको बताया था कोई भी हाल में उसोस आने वाले इस मैच के अंदर, मैच के बीच में रोमा रेस को मदद करने के लिए उसोस आ सकते हैं। साथ ही साथ मैंने ये भी वीडियो के अंदर बताया था कि उसोस के वजह से रोमा रेस हार जाएंगे, इसलिए इस मैच के अंदर गुस्सा हो जाएगा। एक्जेक्टली हमें उस तरह से नहीं देखने को मिला, थोड़ा सा ट्विस्ट देखने को मिला इस मैच के अंदर। होता क्या, उसोस सबसे पहले रिंग के बाहर केविन ओवंस का गेम बजाते हैं, उसके बाद रिंग के अंदर आते हैं सैमी जेन का गेम बजाने के लिए। जैसे उसोस यहाँ पर सुपर किक लगाने लगते हैं सैमी जेन को, सैमी जेन से अगेन हट जाते हैं, उसके बाद वो सुपर किक लग जाता है सोलो सिकोवा। उसोस जैसे सोलो सिकोवा के ऊपर गलती से अटैक कर देते हैं, रोमा रेस बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, उसके बाद रिंग के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर हमारे जो जे उसो है बार बार रोमा रेस को समझाने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में गलती से लग गया। रोमा रेस पर यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, बोलते हैं तू मुझे टच कैसे किया, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मुझे टच करने का। और जे उसो को पिछली बार की तरह यहाँ पर धक्का देने लगते हैं, पर यहाँ पर कमाल का एक सुपर किक देखने को मिलता है हमें जिमी उसो की तरफ से। जिमी उसो का फाइनली आज के शो के ऊपर सब्र टूट जाता है, फाइनली वो सुपर किक लगा देते हैं यहाँ पर रोमा रेंज के ऊपर। जे उसो थोड़ा सा इससे नाराज में होते कि भाई तूने क्या कर दिया, हम लोग रोमा रेंज के साथ है, तूने रोमा रेंज के ऊपर लगा दिया सुपर किक। थोड़ी देर बाद जिमी उसो जे उसो को समझा देते कि असली भाई मैं हूँ, रोमा रेंज तुम्हारा भाई नहीं है। वहां पर से सिंपल जे उसो जिमी उसो चले जाते हैं अरीना छोड़कर। रिंग के अंदर बसते हमारे सोलो सिकोवा, सबसे पहले केविन ओवंस की तरफ से हमें स्टैंडर्ड देखने को मिलता है, हमें हेलुआ किक देखने को मिलता है यहाँ पर सैमी जेन के तरफ। उसके बाद सोलो सिकोवा इस मैच के अंदर किक आउट नहीं कर पाते हैं, यहाँ पर सैमी जेन और केविन ओवंस का विन हो चुका है जो कि मैंने आपको बताया था। अब देखो सबसे पहले आप लोग सारे लोग बताएगा आपके अकॉर्डिंग क्या इस मैच का एंडिंग सही हुआ या फिर कुछ और हुआ या फिर आप लोग सेटिस्फाई नहीं हुए, क्योंकि भाई मैं सही बता रहा हूँ नाइट ऑफ चैंपियंस का मैंने जितने भी मैच देखे भाई ऑलमोस्ट सारे मैचेस से मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हूं। मॉर्निंग वाला वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा कैसा रहा पूरा नाइट ऑफ चैंपियंस का। हाँ आप लोग सारे लोग सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई, रात को आपके लिए वीडियो बना रहा हूं तो भाई सारे लोग चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ जिन लोगों को मेरे से पर्सनली चैट में बात करना या फिर नाइट ऑफ चैंपियंस का मैच फिर से देखना, सारे लोग मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर आ सकते हैं।